चलिए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों को। नौकरी, व्यापार, क्या नई योजनाएं भारत सरकार ने लॉन्च की है, युद्ध से संबंधित सभी खबरों को फटाफट। जी हां, आज 14 अप्रैल है। आप सभी को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड से लेकर। जी हां, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024, 52 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये रिजल्ट है वो जल्द से जल्द घोषित किया जा रहा है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 25 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है इजराइल और ईरान में। जी हाँ, 22,000 भारतीय की जान खतरे में है। आपको बता दें कि जो इजराइल और ईरान इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि कभी भी जो ईरान है वो इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान अपनी मिसाइलों व विस्फोटकों से लैस ड्रोन को तैयार कर रहा है। तो आपको बता दें कि इजराइल के अंदर 18,000 और 4,000 ईरान के अंदर भारतीय नागरिक रहते हैं। तो सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि उनको जल्दी से जल्दी इन देशों से फ्री किया जाए, क्योंकि अगर युद्ध शुरू होता है तो उनको निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी हाँ, अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान में एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। जी हाँ, हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत दुखद खबर है। यह मंदिर खैबर पश्तूनख्वा में स्थित था, जिसको तोड़कर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत से। जी हाँ, कंगना रनौत है वो बीजेपी कैंडिडेट मांडी सीट हिमाचल प्रदेश से ज्वाइन कर चुकी है और वह एक नया भाषण दी है, जिसके अंदर वे बता रही है कि हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं रखनी चाहिए, हमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी है उसको ही मानना चाहिए। इस भाषण को लेकर काफ़ी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट से लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि जो दो सबसे बड़े अपराधी थे उनको सरकार ने पकड़ लिया है। उनको बंगाल के अंदर अरेस्ट किया गया है, जिसमें अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसाविर हुसैन साबिद, ये दो बड़े साजिशकर्ता थे। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है ईवी मार्केट से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट से। एलोन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, वो इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। जी आपको बता दें कि इससे जो ईवी मार्केट है वो इंडिया के अंदर बूम होने वाला है, एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो ईवी कंपनीज के अंदर, जैसे टेस्ला और भी सोलर कंपनीज के अंदर आप रुपये लगा सकते हैं, फ़ायदा मिलने के चांस हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस की एक और नई लिस्ट आ गई है। जी हां, 16 उम्मीदवारों के नए नाम इस लिस्ट में ऐड किए गए हैं। आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव की फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होगी और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि जो मंडी सीट है उसमें विक्रमादित्य और कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश पर आमने सामने होंगे। वहीं पर चंडीगढ़ से मनीष तिवारी रण में कांग्रेस की तरफ से उतरेंगे। वहीं गुजरात से, मेहसाणा से रामजी ठाकुर, अहमदाबाद ईस्ट से हिम्मत सिंह पटेल, राजकोट से परेश भाई धनानी, नवसारी से नई साथ देसाई को टिकट मिला है। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है ईरान के कब्जे में 17 भारतीय। जी हां, इजराइल के साथ तनाव के बीच खामेनेई की कुख्यात आर्मी का बने शिकार 17 भारतीय को कब्जा में कर लिया है। जी हाँ, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जहाज पर कब्जा किया है जिसमें 17 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इससे भारत और ईरान के बीच में भी तनाव आ सकता है। आगे खबर देखेंगे क्या ईरान और भारत के रिश्ते रहते हैं। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से जो जनता को फ्री चीज़ें मिल रही हैं, जैसे बिजली, पानी और बस की जो सुविधाएं हैं उनकी सब्सिडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी हां, दिल्ली के एलजी सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मंत्रियों पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था, जिसे उपराज्यपाल ने साफ कर दिया। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर से। जी हां, दिल्ली एनसीआर के अंदर तेज बारिश और काफ़ी जगहों पर ओलावृष्टि भी देखी गई है। जी हां, झांसी के अंदर ओले गिरे हैं और काफ़ी जिलों के अंदर बारिश हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर हरियाणा के कुछ इलाकों के अंदर, राजस्थान के कुछ इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज़ हवाएँ देखी गई हैं।
आपके यहां पर मौसम कैसा है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति BRS नेता के कविता को लेकर CBI ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। CBI ने कविता की हिरासत की मांग करते हुए शुक्रवार 12 अप्रैल को कोर्ट में बताया कि कविता ने कथित तौर पर अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली में 5 रिटेल जोन के बदले में आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपये देने के लिए धमकाया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने कविता को 15 अप्रैल तक CBI की हिरासत में भेजा है। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है, रामलला के सूर्य तिलक का स्वागत किया जा रहा है, रामनवमी पर होगा तिलक। जी हां, सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट जो राम मंदिर में स्थित श्री राम की मूर्ति है उनके ललाट पर पड़ेगी, तो ये जो नज़ारा होगा वो अत्यंत ही भव्य होगा। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जी हाँ, इन्फोर्मेंस डायरेक्टरेट यानी कि ED प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के आबकारी घोटाले के मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया हुआ है, जिसके कारण वे तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर दरवाज़ा खटखटाया है। आपको बता दें कि जो जस्टिस दीपांकर दत्ता है की बेंच ने हैं, उन्होंने 15 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला लिया है। जी हां, अगली खबर आ रही है बोर्नवीटा से लेकर। जी हां, हेल्थ ड्रिंक नहीं माना जाएगा आज से बोर्नवीटा को, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी आपको बता दें कि जो बोर्नवीटा जो जैसी कंपनियां हैं उसके अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंस है और सरकार भी यही कहती है कि इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि जो है मिनरल है जो पोषक तत्व है उसके साथ साथ शुगर कंटेंट यानी कि चीनी बहुत पाई जाती है, इसीलिए इसको हेल्थ ड्रिंक कहना उचित नहीं है। जी हाँ, भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, मालदीव सरकार के जो तेवर हैं वो नरम होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से जो मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ध्वस्त होती जा रही है, क्योंकि जो भारतीय यूजर्स हैं और जो भारतीय यूजर्स बाहर देशों में रहते हैं उन्होंने जो मालदीव कंट्री का जो टूरिज्म है उसको बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी जो 3 नेता थे उन्होंने भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की थी ट्विटर नामक ऐप पर। आप बता दें कि जो मालदीव के जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद सईद ने कहा है कि उन्होंने अब यह निर्णय लिया है कि वो डॉलर में पेमेंट न करने के बजाय और वो स्थानीय करेंसी रुपया के अंदर वो पेमेंट करना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि उनकी सरकार भारत की तरफ बहुत ही नरम रुख अपना रही है। जी हाँ, अगली खबर आ रही है राहुल गांधी से लेकर। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री DMK अध्यक्ष MK स्टालिन के साथ पश्चिमी शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी और अडानी की नीतियों ने भारत 2 प्रकार के बना दिए हैं, एक अरबपतियों का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। साथ ही साथ उन्होंने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है वो एक बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और जीतेगा। जी हां, अगली खबर आ रही है अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव का जयंत चौधरी पर पलटवार किया गया है। उन्होंने बिजनौर चुनाव रैली में कहा कि सोचिए कभी ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह बताना है कि आप किस राज्य से और किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और आपको कमेंट के अंदर बताना है कि भारत के अंदर कुल लोकसभा सीट कितनी है जिन पर 2024 चुनाव लड़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।